हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल क्लोज होता है उस वक्त किस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, किस तरह की साइंस आपको दिखाई देते हैं। और ये हर किसी को जानना होता है क्योंकि जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो सही है गलत, ये एक कन्फर्मेशन तो हमें चाहिए होता है, एक ग्रीन सिग्नल हमें चाहिए होता है कि हम सही हैं या गलत। सो सबसे पहला और जो कॉमन सा सिम्टम होता है वो ये होता है कि जिस सिचुएशन में कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो रहा होता, जो भी सिचुएशन आपकी है वो आप जानते हो, उस सिचुएशन में कुछ हलचल होती है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जब वो सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव होने लगती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर आपको वो सुप्रीम पावर टेस्ट करती है, आर यू श्योर कि यही चाहिए। देखो आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, कल मैंने क्लास में भी बताया था और सब लोग बहुत हैप्पी हो गए थे। जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सिर्फ उसका एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा फेस देखा है और आप उसको चाहते हो कि आप उसको अपनी लाइफ टाइम के लिए मैनिफेस्ट कर लो, तो हो सकता है उस इंसान का बिहेवियर एकदम से बदल जाए या वो रूडली आपसे बात करने लगे, मतलब या उसकी तरफ से कुछ नेगेटिविटी आपको फील होने लगे। तो वो सुप्रीम पावर आपसे पूछती है कि आर यू श्योर अबाउट दिस पर्सन, इसका एक रूप ये भी है, इसका एक रूप ये भी है। और आप बोलते जाते हो ना, जैसे कॉमनली रिलैक्स होकर उस सिचुएशन को फील करते हो कि यस आई एम श्योर। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा सा कुछ भी इंसान का बॉन्डिंग होता है, उसमें अचानक से एक मतलब किसी भी एक का ना बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला सिर्फ आपको ये दिखाता है कि एक इंसान का हर तरह का फेज होता है, तो ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। आर यू श्योर अबाउट इट? इफ़ यू आर श्योर देन वो आपके पास आएगा। वैसे ही दूसरा कि किसी ना किसी आपको हर जगह ना मतलब एक कन्फर्मेशन एंजल नंबर दिखेगा या एक यूनिवर्सल मैसेज दिखेगा, किसी भी कम्युनिटी टैब पर या आप इंस्टाग्राम ऑन करो या आप पिंटरेस्ट ऑन करो, कहीं पर भी ना, कि योर मैनिफेस्टेशन इज डन, योर मैनिफेस्टेशन इज ग्रांटेड, इस तरह के साइंस आपको बार बार दिखते हैं। मतलब ऐसा कि आप उनको देखकर आप हैप्पी फील करते हो, लैक फील नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा साइन है। मतलब एक इंसान होता है कि उसको देखकर ये सोचता है कि हाँ मतलब ठीक है, अच्छा होने वाला। एक होता है वाओ, मतलब ये एक कन्फर्मेशन है, कोड है, एक तरह से एक कन्फर्मेशन कोड है कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो डन है। और आप उन चीज़ों को, उन साइंस को देखकर बहुत हैप्पी होते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील होती है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरा, आप कभी भी साइन मांगते हो, सॉरी तीसरा, आप साइन मांगते हो, जैसे कि अगर मेरा मैनिफेस्टेशन होने वाला है कंप्लीट तो मुझे ये साइन देखना है या ये साइन देखना है, आप उस साइन को लेकर डाउट में नहीं आते कि दिखेगा या नहीं दिखेगा, कितना कितनी देर में दिखेगा। मतलब वो एक तरह से जो हमारे डाउट्स होते हैं ना और हमारा एक जो डेस्पिरेशन होता है उन साइंस को लेकर कि दिखेगा, कब दिखेगा, कितनी देर में दिखेगा, वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। जैसे आप बैठे बैठे बोलते हो कि सुप्रीम पावर, जो भी आप जिसको भी मानते हो, कि अगर मेरा मैनिफेस्टेशन, मुझे पता है मेरा मैनिफेस्टेशन तो होने वाला है, बट थोड़ा सा मुझे ये वाली चीज दिखा दो, और आप हैप्पीली बोलते भी हो और आपको दिखता भी है। उसके बीच वाला जो टाइम होता है ना, आप नेगेटिव होते हो ना आप डेस्परेट होते हो एकदम, क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो विश जा चुकी है, वो एकदम से आपके उसमें, मतलब आपके अंतरात्मा, आपका इनर बीइंग जानता है कि वो हो चुका है, तो दैट्स व्हाई आपको वो डेस्परेशन, वो सारी चीजें कभी भी फील ही नहीं होती हैं। चौथा, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड बातें सुनाई देने लगती हैं। एग्जाम्पल, आप जिस कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़, उस कार के बारे में कोई पर्सन किसी के स्टेटस पे या रोड पे बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है उस चीज़ से, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर होती है मैग्नेटिक पावर। और आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जिस चीज़ के बारे में आप डीपली सोचते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के बारे में, किसी सॉन्ग के बारे में, किसी पर्टिकुलर डिश के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देने लगती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपके आसपास बातें होने लगती हैं, आपके कानों में बार बार वो बातें सुनाई देती हैं कि ये हो रहा है, ये होने वाला है, वाओ ये कितना अमेजिंग है।
अगर कोई पर्सन भी है ना, तो हो सकता है आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड ही आपको कुछ भी ऐसा बना के भेज दे। क्योंकि एक ऐसा सक्सेस स्टोरी हुआ था, मतलब आया था कि एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड को पूरा वेडिंग कार्ड डिज़ाइन करके भेजा उनके सोलमेट के नाम से, और विद डेट एंड टाइम, एंड वो इतना बड़ा कन्फर्मेशन साइन था कि वो बहुत हैप्पी हो गए। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा एक गुड साइन है। मतलब उन्होंने अपने मन से ही एडिट करके भेजा कि ये मेरी फ्रेंड, ये उनका सोलमेट, और इनकी शादी तब होगी, ये तब होगा। बहुत प्यारा सा डेकोरेटिव, जो है डेकोरेशन वाला एक एडिटिंग करके एक कार्ड भेजा था। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड बार बार और ज़्यादा साइंस के लिए डेस्परेट नहीं होना है कि मुझे अब जो लोग यहाँ पर हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत जा रहे हैं, बस थोड़ा सा जर्नी और है, उसको कंप्लीट करते रहना है और अच्छे से करना है, तो आप लोगों को भी वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना। और मतलब जहाँ पर भी आप वीक पढ़ने लगते हो, एक और साइन मैंने कॉमनली फील किया है, जैसे आप वीक पढ़ने लगते हो अपनी किसी चीज़ को डाउट में लेकर, थोड़ा बहुत भी माइनर, यू नो, तो तुरंत आपको ऐसा एंजल नंबर या ऐसा कुछ दिखता है जो आप, या ऐसी कोई वीडियो ऐसे पॉपअप हो जाती है जो आपको रिमाइंड करा दे कि इट्स ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। सो जो जो इस तरह के साइन फील कर रहा है, जिसको दिखाई दे रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपके साथ इनमें से कौन सी चीज़ हो रही है। सो मुझे देखना है कि मेरी मैजिकल फैमिली की जो जर्नी है वो कैसी जा रही है। सो और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सी वर्कशॉप आएगी, कौन सा वेबिनार या कौन सा बैच आएगा। सो मैंने बहुत अच्छा सा और बहुत ज़बरदस्त सी कुछ प्लानिंग की है, थोड़ा बाकी है, जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक आप अपनी जर्नी को मैजिकली इन्जॉय करो, विदाउट एनी डेस्परेशन, विदाउट एनी नेगेटिविटी, विदाउट एनी एन्जाइटी, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। हमारे लिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है, जो होता है हमारे फेवर में होता है, और जो भी हम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिल ही जाती है। ये होना चाहिए हमारा क्या कमांड सबकॉन्शियस के लिए। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।